1981 में आज ही के दिन बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की दक्षिण पूर्वी शहर चिटगांव में हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति की हत्या के बाद विद्रोहियों ने क्रांतिकारी समिति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन जन समर्थन हासिल न होने की वजह से उनका मकसद कामयाब नहीं हो सका। जियाउर रहमान की हत्या से देश में आपातकाल और 40 दिन तक राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई थी। 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत के 26वें राज्य का दर्जा मिला था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया और 1961 में यह भारतीय प्रशासन के दायरे में आया। गोवा का कोलवा, कालनगुटे, वागाटोर, वागा, हरमल और अंजुना स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज ही के दिन 1990 में फ्रांस की सरकार ने मैड काऊ बीमारी फैलने के डर से ब्रिटेन से गोमांस और जीवित मवेशियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस ब्रिटेन के गोमांस का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, जो हर वर्ष गोमांस के आयात पर 18.13 करोड़ पाउंड खर्च करता था। ब्रिटेन के तत्कालीन कृषि मंत्री जॉन मम्मर ने फ्रांस सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को अन्यायपूर्ण और यूरोपीय सामुदायिक कानून के खिलाफ बताया था। आज के दिन सन 2000 में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और विचारक डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन हुआ था। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत के प्रथम व्यास सम्मान के विजेता रह चुके हैं। और 2013 में आज एक दिन बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का निधन हुआ था। ऋतुपर्ण घोष ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर 2003 में फिल्म चोखेर बाली का निर्माण किया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ऋतुपर्णों को 12 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अपने 19 वर्षों के फिल्मी करियर में ऋतुपर्णों ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया।